दिल्ली के जंतर मंत्र विखे पहलवानों वालों भाजपा नेता ते WFI के चेयरमैन खिलाफ चल रहे धरने में अज पहलवानों वालों कैंडल मार्च कढ़िया गया। एक कैंडल मार्च छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में 11 जवान शहीदों को श्रद्धांजलि देने लिए कढ़िया गया। मीडिया नाल गलबात करदे बजरंग पुनिया ते साक्षी मलिक का कहना है कि सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी आपस में लड़ रही है, वो पहलवानों इंसाफ किवें दे सकती है। साक्षी मलिक का कहना है कि असी पहलवान फेडरेशन दियां कुड़ियां नूं इंसाफ दिवाउण दे लई लड़दे रहांगे। देखिए, न्याय के लिए लड़ने के लिए आए हैं और कैंडल मार्च हमने एक हमने पहले भी बताया था कि एक कैंडल हम शहीदों के नाम जलाएंगे। आज हमारे जवान शहीद हुए, बड़े दुख की बात है, हमने उनके लिए मौन रखा है। और दूसरी चीज, जो सरकार हमारी अनदेखी कर रही है उनको रोशनी दिखाने का काम किया है कैंडल मार्च करके। संघर्ष हमेशा लड़के, हमारे कोचिज ने हमें यही बताया है कि मेडल आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे लग रहा है कि जो ये सजा जितनी जल्दी होनी चाहिए उतनी हो नहीं रही, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। डिमांड पर कमेटी भी बनाई गई, आपकी आपके पास साई के अधिकारी भी आए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है। देखिए, क्या दबाव है, क्या के मेंबर आपस में लड़ रहे हैं, आप उनसे बात करिए। नहीं, आपका भी वो आपस में लड़ रहे हैं, उनके ऊपर हमारे कमेंट करने का कुछ बनता ही नहीं। जब उनके आपस में ही नहीं बन रही, वो क्या रिपोर्ट देंगे और कमेटी क्या फैसला देगी, क्या वो मान्य होगा जब उनके आपस में ही लड़ाई चल रही है। हमारी अभी उच्चतम न्यायालय ने हमें आश्वासन है और पूरा विश्वास भी है हमें कि हमें न्याय मिलेगा और जल्द मिलेगा, और जब तक न्याय नहीं मिलता हमारी लड़ाई जारी है। ये रिंग नहीं छोड़ने वाले आप? अब ट्रेनिंग भी यही स्टार्ट कर दिया, कहाँ से छोड़ेंगे। रात को यहाँ सोते हैं, खाते हैं, दिन में आप लोगों के बीच में रहते हैं, तो पूरा टाइम यही रहना है। तो फिर इसी को रिंग बना दिया, ट्रेनिंग भी यही है और सोना खाना पीना यही है सब कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी आप सभी का। सर देखो, दबाव तो है क्योंकि सभी जानते हैं रूलिंग पार्टी का है वो, इसलिए शायद प्रेशर है, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। और मैं खुद एक महिला हूँ, हम सब मिले हैं, अभी मेरे में शक्ति आई है कि मैं गलत चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठा सकूँ, जिससे जो आज गए आने वाली हमारी बेटियाँ हैं उन पे अत्याचार ना हो। तो बस यही है कि हम सब भारत की बेटियाँ हैं और इनको बचाने के लिए हम यहाँ डटे हुए हैं कि आगे जाके हमारा जो देश है, भारत देश, उसमें बेटी अपने आप को सुरक्षित फील कर सके। आपकी रेगुलर प्रैक्टिस पर भी इसका असर पड़ रहा होगा, फेडरेशन पर असर पड़ रहा होगा, पूरी जो रेसलिंग यूनिट है वो, उसकी एक इमेज जो नेगेटिव क्रिएट हो रही है उसको लेकर आ रहा। देखो, नेगेटिव तो इमेज क्या क्रिएट हो रही है, हम यहाँ उसको ठीक करने के लिए ही बैठे हैं, क्योंकि 10-12 साल से जो भी चल रहा था हम देख रहे थे और बस आगे ऐसा ना चले इसलिए हम बैठे हैं। ठीक है, संघर्ष थोड़ा लंबा है, इस दौरान शायद कुछ टूर्नामेंट पे इफेक्ट पड़ सकता है, हमारी ट्रेनिंग पे इफेक्ट पड़ रहा है। हम सिर्फ एक टाइम ट्रेनिंग कल से ही शुरू की है, आप हमारी अलग देख सकते हो, यहीं खाते हैं, यहीं सोते हैं, 4 दिन हो गए हमें मच्छरों में हम सो रहे हैं, हमारी आँखें देख लो मतलब है ही नहीं नींद, फिर भी सो के ट्रेनिंग करेंगे। तो मतलब ठीक है, संघर्ष कर रहे हैं और जब तक नहीं जीतेंगे हम नहीं उठेंगे। अजीत पंजाबी दी ऑथेंटिक खबरां दे लई सब्सक्राइब करो अजीत वेब टीवी, अते ताज़ी खबरां दी नोटिफिकेशन पाउण दे लई बैल आइकन ते क्लिक करो।